तो तू यहाँ ये देखने आया है कि हमले के बाद हमारे एकनाथ बाबू बच कैसे? देखो तुम ये हम इसे नहीं छोड़ेंगे हम। ये सब तुम हाथ मत लगाओ प्लीज। क्यों? क्या गुस्सा सिर्फ इन्हीं लोगों को आ सकता है? प्लीज चुप। प्लीज देखो यहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। भाभी जी आप बीच में मत बोलिए। फारूकी तुम बीच में मत बोलो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर लोग कर क्या लेंगे। क्षेत्री से तू जिंदा बच के नहीं जा सकता समझा? मान लिया प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रिलैक्स। देखो थप्पड़ क्या? आप मेरी हड्डियां तोड़ दीजिए लेकिन आपका ये बड़प्पन हम मजदूरों को मंजूर नहीं। एकनाथ बाबू पूरा खेतरी जानता है, ये साला आपका यहाँ हमदर्द बन गया, इसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। अरे ये झूठ है। झूठे साले तुम हो अमीर लोग। दोखले साले अपने सामान को लगा दो। ऋषभ मत उलझो इनसे। देखिए आपको बता दिया ना कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा ने इन पर हमला नहीं कराया। आप कहे और हम मान ले। देखो इनको अपनी औरत को ढाल बना कर लाया है। तू बाहर चल, अभी देखते हैं तुझे। इतनी गर्मी है तुझमें। इतना तुम लेते रहो। प्लीज सब जो करना है मुझे। चलो बाहर। तुम लोगों का भूत तो मैं उतारूंगा। अबे भूत काल तो तेरा होने वाला है समझा? अरे जाकर कह दो मल्होत्रा खानदान में मर गया मेरा ऋषभ मल्होत्रा। तेरा क्रियाक्रम इसी खेतरी में होगा। क्या भीड़ लगा रखी हो यहाँ पर? चलो चलो हटो यहाँ से। अच्छा वाईफाई का सामान आ गया वरना यहाँ नर्क हो जाओ। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा यू आर अंडर अरेस्ट। एकनाथ जी पर हमला करवाने के जुर्म में पर FIR दर्ज करवाई गई है। चलिए ऐसे मत देखो मेधा। मैं चाहता तो गिरफ्तारी रुकवा सकता था पर फिलहाल ऋषभ पुलिस कस्टडी में सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ खेतरी में लोगों का पूरा हुजूम उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा है।